बाकी सबसे तो बात हो चुकी है और अभी आपने नवीन की बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस देखी, ये एज आशीर्वाद देने आए थे और बेस्ट ऑफ लक कहने आए थे, उन्होंने पूरा एक्ट भी कर लिया। तो अपने इस गाने के बारे में और पंछी जी और सर के बारे में कुछ बताइए कि हाउ वाज द जर्नी ऑफ दिस सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गॉट डाउन विद माय डबिंग एंड देन आई केम हियर, आई रश्ड इन एंड सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पंछी जी का और समीर जी का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा। मैं बहुत दिल से कह रही हूँ जो भी बात कह रही हूँ, ये मेरे जज्बात हैं अभी जो भी बोलूँगी मैं। एक गाने को गाना, नॉर्मल लिरिक्स में एक मूवी के गाने को गाना, मूवी के लिरिक्स को गाना, कंपोजिशन को गाना, एक डिफरेंट ही फील होता है। और वो भी पोएट्री है, ऑफकोर्स। आप बैठ जाइए, कंफर्टेबल है पक्का। और एक चीज होती है जो बहुत गहरी होती है, दिल से लिखी होती है। आई एम श्योर हम सभी जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसमें मुझे ये सारी बातें बोलनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ ये सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ अभी। और एक डीप विद इन एक फील होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, डे टू डे एक्सपीरियंस होता है, जिसमें शायद गानों के लिरिक्स से भी ज़्यादा गहरा मीनिंग होता है। और मैंने पंछी जी के बहुत सारे पोएट्रीज मैंने सुने, उन्होंने जब रिसाइट किए मेरे आगे, हम यू ही नॉर्मली एक दिन बैठे थे और उन्होंने अपनी पोएट्रीज मुझे सुनाई और लाइक ऑलमोस्ट माई आईज वर ब्रिमिंग, क्योंकि बहुत ब्रेकअप्स को लेके या प्यार को लेके या बहुत सारी ऐसी नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ की बातों को उन्होंने इतना डीपली एक्सप्लेन किया है अपनी पोएट्री में। आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंछी जी और समीर जी के लिए। एंड अनदर थिंग फॉर समीर जी, मुझे पता है जब हम लोग जैमिंग करने बैठे थे और सोच रहे थे कि जैज़ बात को, इस नाम को, इस टाइटल को कंपोजिशन और लिरिक्स के साथ किस तरह से जेल किया जाए, तब मैं देख रही थी जिस तरह से देवा पुटिंग एफर्ट्स एंड देवा ब्रेनस्टॉर्मिंग, और हर वक्त ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे और हर वक्त कुछ ना कुछ नई बात, एक नए आइडिया के साथ वो सामने आते थे। और मैंने जो पोएट्री रेसिटेशन के साथ ये गाना रेंडर किया है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और समीर जी का जो कंपोजिशन है जिसपे द ट्यून गोज लाइक दिस, लाइन्स में बाद में गाऊंगी, लेकिन उसका जो एक हुक वर्ड हुक लाइन है दैट गोज लाइक दिस, बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है आओ खुद से बिछड़ने का, मुझको तुमसे मिलने का, बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है। सो इस तरह के बहुत सारे फील्स हैं, बहुत सारे लाइंस हैं जो रेसिटेशन के साथ मैंने गाए थे। एंड थैंक यू सो मच पंछी जी और समीर जी कि आपने मुझे अपने एल्बम फैमिली का एक हिस्सा बनाया। एंड मैंने संचिति एंड शाहिद आपके भी वॉइस सुनी है मैंने कंपोजिशन के अंदर, एंड यू ऑल आर साउंडिंग सो ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी। एंड नवीन सर, आपके सामने मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम योर बिगेस्ट फैन। और बेस्ट एक्ट जो आपका है अभी तक का, जो मुझे हमेशा मैं देखना पसंद करती हूँ, मैं एंटर हुई और आपने वो एक्ट परफॉर्म किया, सो इट वॉज अमेजिंग, थैंक यू। एंड आज संचिति का बर्थडे है, सो हम सभी लोग साथ में मिलकर, आई होप आपने सबने विश अभी तक नहीं किया, ग्रेट ग्रेट, तो आप भी आ जाइए, ग्रेट। वैशाली के लिए जोरदार तालियां हो जाए, वैशाली तो एवरीवन नोज़ शी इज़ अ विनर।
every time. All right, Sanchiti, aapke liye hum sab log gana gaenge. Are you all ready for it? Great. So here we go. 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanchiti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ab jazz bar ke liye gayenge. Happy birthday, dear jazz bar. Happy birthday to you. Thank you so much. अरे आप तो बैठ चढ़ो ना यार होगा चलो चढ़ो ऊपर ले लो या अरे खाली बसा ना प्लीज चलो हमारे मेहमान है प्लीज प्लीज अरे 5 मिनट में बोल रहा है और आज मुझे बहुत खुशी है आओ कि तुम्हें बुलाते हैं वो जो तुमने लबों से रखे थे मेरी आंखों पे तकते ये पलकें झपकना आओ तुम्हारी उंगलियां पलकें ये सांसें अब चलना चाहती Thank you.
चलो फोटोज हो गए भाई। नहीं नहीं रुको, अरे रुको, तो बाइट के लगे आइए, तू ये थोड़ा बाइट को आप ना तुम्हारा बाइट दे दो इला बाइट सबके बोल मम्मी मैम 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 सर। अरे अरे सर वो साहब पंची जी सामने देख के हां ऐसे पंची जी बीच में पंची जी बीच में आ रहे चालू ट्रेन में कहां जा रहे वे मारेंगे इस तरह। हां चलो ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू चलो अभी बाद में बात करके हां कर लो भाई चले चले से एक्शन करना है मतलब सपना दिखाना है सिर्फ खाली ए वाओ ए या वी गोना स्टार्ट नाउ आर्टिस्ट ऑफ फॉर द फॉर मीडिया उन्होंने की है और उसके बाद उनकी पोएट्री को जो हमने गाया है उसमें इतने गहरे जज्बात हैं जो डे टू डे लाइफ में मैं जब आई तभी मैंने बात की थी कि डे टू डे लाइफ की कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें बहुत गहरी सच्चाई और डीप मीनिंग होते हैं उसे हम शायद देख नहीं पाते हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं गलती से शायद नज़रअंदाज हो जाता है हमसे पर आई थिंक जिस तरह से उन्होंने पंची जी और समीर जी ने हम सबके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया है जज्बात में उन सब ख्यालों को उन सब बातों को उन सब छोटी छोटी उन बारीकियों को जो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती है लेकिन शायद हम उसे दिन भर की दौड़ाभागी के बीच में हम भूल जाते हैं सो आई थिंक सभी को ये डेफिनेटली सुनना चाहिए और उसमें से एक गाना एक पोएट्री को पंची जी ने रिसाइट किया है और मैंने गाया है और बहुत ही अच्छे मीनिंग्स हैं उसके आओ खुद से बिछड़ने का मुझको तुमसे मिलने का बड़ा दिल करता है बहुत बहुत सिंपल मीनिंग है लेकिन बहुत गहरी बातें हैं ये कि खुद से बिछड़ना और तुमसे मिलना तो ये सारे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक लाइन में आ जाए जिसका बहुत बड़ा मीनिंग बनता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और आज संचिति का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू संचिति की आवाज़ बहुत मीठी है प्यारी है जब हम सभी लोग मिलकर एल्बम के गानों को सुन रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था और संचिति ने जिस तरह से गाया है तुम्हारा वो कौन सा गाना है करेक्ट 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 वो बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी संचिति ठीक से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगी डेफिनेटली एज अ लिसनर मैं उसे बोल पाऊँगी बहुत अच्छा गाया उन्होंने और थॉट्स भी जो पंचिति ने अगेन दिए हैं और समीर जी ने अगेन जिस तरह से कंपोज किया है उसे सो इट्स अ ग्रेट थिंग इट्स अ वंडरफुल थिंग क्या कहेंगे आप जैसे कि भूमि जी ने खुद बताया कि वो गा रही है खुद मैं हूँ और शाहिद माल्या जी और वैशाली माड़े जी भी इसमें वैशाली माड़े जी ने भी इसमें गाया है एक ही एल्बम में चार सॉन्ग्स हैं और मेरा एक सॉन्ग है उसमें वो जो सॉन्ग है वो बहुत ही रोमांटिक मतलब जो चारों सॉन्ग है वो सब 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 उसमें रोमांटिक ही है और मैं अपने दो लाइन गाना चाहूँगी से तेरी नजारे यादों में रहे हमारे जीलों में तुझको ऐसे सांसों में चले तुम्हारे इजाजत मुझे दो इजाजत मुझे दो तुझको ही जीऊँ मैं तुझको ही जीऊँ मैं समीर जी ने म्यूज़िक डायरेक्शन किया है और लिरिसिस्ट पंची जी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं वो गाना गा सकती हूँ और थैंक यू टू माय गॉड टू माय मदर फादर एंड माय लिटिल ब्रदर एंड इवन हिमांशु सर एंड एकता दीदी